फाइमोसिस या फोरस्किन चिपकना सामने हेड के ऊपर, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। क्या है कि काफी लोग, यंग लोग, जब हमें कॉल करते तो पूछते रहते हैं कि मेरी लिंग के ऊपर की जो चमड़ी है वो पीछे जाती नहीं है। नॉर्मली वो पीछे जाना चाहिए, इरेक्शन रहा तभी भी पीछे जाना चाहिए, इरेक्शन नहीं रहा तभी पीछे जाना चाहिए, सामने जाना चाहिए, मतलब उसका पूरा प्ले होना चाहिए। वो यदि जाती नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं फाइमोसिस या फोरस्किन चिपक के रखना। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, एक तो फोरस्किन चिपक के है तो ये एंजॉयमेंट जितना चाहिए उतना एंजॉयमेंट सेक्स में देंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये फोर्सफुली यदि पीछे कर दिया, पीछे जाके अटक जाएंगी और वो सामने भी आएंगे नहीं। और एक बार अटक गई पीछे और सामने नहीं आ रही है तो फिर ब्लड जो सामने जमा हुआ है उससे वो लिंक पूरा फूल जाएगा, उसमें ब्लड सप्लाई होगा नहीं, एकदम इमरजेंसी आ जाएंगी, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट यह है कि ऐसा यदि प्रॉब्लम है आपको फोरस्किन का या फाइमोसिस का, तो पहले डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। कुछ धर्मों में सुनता करते या खतना करते हैं, मतलब रूटीनली वो स्किन निकाल ही देते हैं सामने की, मगर कुछ धर्मों में नहीं निकालते हैं। मगर यदि ऐसी पीछे जाती नहीं है तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर इमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी होने के बाद फिर दौड़ धूप करनी पड़ेगी। अक्सर लोग हमारे पास में आते हैं शादी के बाद में, शादी के बाद में आते क्योंकि तब तक ख्याल देते नहीं है और फिर बाद में सेक्स करते हैं, फोर्सफुली सेक्स करते हैं, वो पीछे जाके अटक जाती है चमड़ी और फिर सूजन आना, दर्द करना शुरू हो जाता है, फिर तुरंत ऑपरेशन करो। तो इसलिए पहले से मालूम होना आपको जरूरी है कि आपकी चमड़ी पीछे जाती कि नहीं जाती। इसलिए हमारी यहाँ की जो बच्चों को नहलाने की दाया जो रहती है ना, दाई, तो वो बचपन में उसको तेल लगाती है और पीछे करती है चमड़ी लिंग की, ताकि वो लिंग की चमड़ी पीछे होना चाहिए। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं मालूम। तो ये लेडीज लोग ऐसा करती है कि उसका बचपन में ही चमड़ी पीछे होना जरूरी है। आगे रही तो मैंने बताया इमरजेंसी आएंगी, सेक्स का अनुभव नहीं होगा। कुछ लोगों का आधा अधूरा होता है, थोड़ी पीछे जाती है, उनका भी वही प्रॉब्लम होगा। तो इमरजेंसी होने के पहले ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो, सर्जन को कंसल्ट करो, सरकमसीजन करो या खतना करो और ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। थैंक यू।